जाके एग्जाम देने के बाद कहीं का कहीं पहुंचे देखे बोर्ड के सामने आए और अच्छे तैयारी कर कर आए कि 12वीं कक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं और उनके हाथ में पेपर थमा दिया जाए 11वीं कक्षा का, तो सोचिए क्या होगा। आज ऐसा ही मामला जो है वो सामने आया जहां पर बच्चे 12th क्लास का पेपर की तैयारी करके आए थे और जब उनको अंदर पेपर थमाया गया तो उन्होंने देखा ये सिलेबस तो सारा का सारा 11th क्लास का है। और उससे भी बड़ी हैरानगी वाली बात यह है कि वहाँ पर टीचर्स ने बच्चों को क्या कहा, टीचर्स ने बच्चों को कहा कोई बात नहीं, आपने 11वीं कक्षा तो पास की है तो आपको तो आता ही है, तो आप ये पेपर देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब तक जेके बोर्ड की तरफ से दूसरा कोई ऐसा ऑर्डर या कुछ भी ऐसा नहीं आया कि चलते पेपर को रोका जाए। अब बच्चे हैरान परेशान थे, कई रातों की मेहनत से बच्चों ने पढ़ाई की और आज पेपर देने के लिए जब अपने अपने परीक्षा हॉल में पहुंचे तो वहां पर उनको जाकर पता चलता है जो पेपर उनको थमाया गया वो 11th क्लास का सिलेबस है। अब हड़बड़ी में आकर जो है जेके बोस द्वारा ये बोला गया, तमाम सेंटर्स में कहा गया कि अब इस पेपर को रद्द किया जाए क्योंकि गलती हमारी है। मानेंगे तो नहीं, ऑर्डर में तो नहीं लिखा कि हमारी गलती है, लेकिन ये कहा कि फिलहाल ये पेपर को रद्द किया जाता है और आने वाले समय में नए तरीके से रीशेड्यूल किया जाएगा पेपर। बहुत से बच्चे हैरान थे, परेशान थे कि सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, अपने अपने सेंटर की तलाश कर रहे हैं कहाँ पर है, कौन सी रो में है, कौन सी क्लासरूम में है। और जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, जब उनको पेपर्स थमाए गए हाथों में कि आज 12th क्लास का पेपर है, तो जब उनको पेपर थमाए गए कि अब इसको आप परीक्षा दीजिए, और जब बच्चों ने देखा कि ये सब का सब जो सिलेबस वहाँ पर आया है वो 11th क्लास का है, तो उसकी शिकायत जो है बच्चों ने वहाँ के टीचर से, सुपरिटेंडेंट से की। और जब उन्होंने पढ़ा और जो रोमैन पे टीचर्स थे उन्होंने कहा कि बच्चों कोई बात नहीं, आपको तो आता ही है, फिलहाल हमें कुछ ऑर्डर्स पीछे से नहीं आए, आप यही पेपर करना शुरू कीजिए। उसके बाद समय रहते एजुकेशन बोर्ड ने जो है जल्दी से तमाम सेंटर्स में ये मैसेज कन्वे करवाया कि 12th का पेपर आज वाला जो है वो कैंसिल हो चुका है, अब इसको रीशेड्यूल किया जाएगा। चाहे रीशेड्यूल किया जाए, लेकिन इतनी बड़ी गलती आखिरकार क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इसकी जवाबदेही भी उन लोगों को देनी पड़ेगी जिनकी ये ड्यूटी रहती है कि आखिरकार इतने बड़े लेवल पर आप पेपर करवा रहे हो। ये कोई नर्सरी, LKG, UKG, पहली कक्षा का पेपर नहीं है जनाब, ये 12th का पेपर है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हो, जब बच्चा UKG पास कर देता है, फर्स्ट में पहुंचता है, आप उसको डॉक्टरेट की डिग्री देते हो, ये कहते हो कि अब इसने नर्सरी, LKG, UKG पास कर लिया, अब ये बड़ी क्लास में जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी गलती अगर एजुकेशन बोर्ड से होती है तो फिर सवाल कौन पूछेगा, कैसे पूछेगा। जब मीडिया भी सवाल पूछती है तो डायरेक्टर साहब के पास समय नहीं है कि उनका फ़ोन भी उठाया जाए या फिर जवाब दिया जाए। लेकिन आइंदा इसका कि गलती ना हो, माफ़ कीजिएगा, उसको लेकर क्या एजुकेशन बोर्ड कोई कड़ा एक्शन लेगा। आम जनता इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।